कदी या कश्मीर तू यार लारे लपे लाना रेना है। कदी आ कश्मीर तू यार लारे लपे लाना रेना है। सौ रब दी तेरे नाले प्यार लारे लपे लाना रेना है। कदी कोटलिया तू यार लारे लपे लाना रेना है। नुसरत अस्सलाम वालेकुम, मैं तुसन मेज़बान सईद भट्ट ते तुसन तकने पे हो अपना चैनल कोटली की आवाज़ ते अज असं जिहड़ा प्रोग्राम करन लगे हां, वैसे तो असं प्रोग्राम करने रहने हां जिस विच सियासी लीडर होने हैं या कोई परेशान हाल बंदे होने हैं ते वो अच्छी अपनी परेशानी दसने हैं या कोई मसला मसाइल लड़ाई झगड़ा जो भी कोई उन्होंने मसला होना वो बयान करने हैं। लेकिन अज जिहड़ा असां नाल पैनल बैठा वो थोड़ा मुनफरिद है। ये जनाब साढ़े नाल एम यूसुफ साहब बैठे हुए ते जैद साहब बैठे हुए साढ़े नाल एक करने गुलकारी तो इन्हें बड़े तराने शराने भी बड़े तो इन्हों जो एक तराना सी वो मैं बड़ा पसंद आया। वो तराना सी शहादत आरजू अपनी ये हम ईमान रखते हैं। तो इन्होंने आई गपशप कर सा कि वो इस तरफ किस तरह आए तो उन्होंने तराने पढ़ने का शौक किस तरह पिया। सब तो पहले एम यूसुफ साहब ना गल कर सा। एम यूसुफ साहब तुसा दसो कि तुसा पहला जो तराना पढ़िया सी वो कड़ा पढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट साहब। सब तो पहले मैं जरा आगाज़ किया सिंगिंग और सब तो पहले नाथ शरीफ, क्योंकि नाथ खुआया मैं, रब्बा सुन ला तू मेरी दवावां। ठीक है, तो अल्लाह पाक ऐसी बरकत पाई उस कलाम विच के बहुत ही अप्रीशिएट किया गया मिकी उस नाथ तो। उस तो बाद फिर सिलसिला चली पिया। उस तो बाद कश्मीर ने हवाले नाल तराने, फिर कुछ इलाकई सोंग वगैरह, और उस तो बाद फिर शहादत आरजू अपनी जहीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखिया सोंग। अच्छा, जहीर साहब लिखिया सी शहादत आरजू अपनी, तो जहीर साहब को पूछा कि तुसा पहला तराना कड़ा लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब तो पहले कोटली आवाज़ में बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सर जी, ये तकरीबन मैं 12-14 साल की उम्र से लिख रहा हूँ। और बोलना किया कि लोग पहाड़ी बड़ा पसंद कर रहे हैं कि अच्छा, अपनी ज़बान। शुक्रिया जनाब। सर जी, तकरीबन 12-14 साल की उम्र आगाज़ किया, और बेसिक में गज़ल करने वाला बंदा हूँ, गज़ल ही करना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर पर 2-4 तरह ने लिखना नहीं साधत हासिल हुई है, और माशाल्लाह इतों जो अच्छा दोस्तों बड़ा अप्रीशिएट किया, और माशाल्लाह काम गजल लिखी है। सर जी, मेरी पहली गज़ल है, उसने दो शेर सुनाना उसे मैं कि तू मुझसे जब जुदा होगा, तू मुझसे जब जुदा होगा, बड़ा तूफान बपा होगा। मोहब्बत से वो डरता है, मोहब्बत से वो डरता है, बुलंदी से गिरा होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एम यूसुफ साहब, तुसा सुनो हला शहादत आरजू अपनी, कियां के लोग भी सुनना चाहने, कियां बहुत लोगों सुनता वा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दोस्त होने जिन्हें नहीं सुनता हो लगा, तो अज तुसा नहीं यानी साउंड सिस्टम तो नहीं इतना लगा, लेकिन तुसा नहीं इस तरह नैचुरल आवाज़ ही सुनना चाहने शहादत आरजू अपनी। मैं अपने समीन वास्ते बहुत शहादत आरज़ू अपनी ये हम ईमान रखते हैं, जो सीने में हमारे है, दिले इंसान रखते हैं। ए दुश्मन बाज आ जा तू, सबर का इम्तहान मत ले, तेरी हस्ती मिटाने को। शहादत आरज़ू अपनी ये हम ईमान रखते हैं, शहादत आरज़ू अपनी ये हम ईमान रखते हैं, जो सीने में हमारे है, दिले इंसान रखते हैं। ए दुश्मन बाज आ जा तू, सबर का इम्तहान मत ले, तेरी हस्ती निकालने का भी हम सामान रखते हैं।
शहादत आरज़ू अपनी ये हम ईमान रखते हैं। यूसुफ साहब आज तक तुम कितने तराने पढ़ी चुके हो? कश्मीर वाले नाल तकरीबन 4 to 5 तराने कश्मीर तो वाले नाल पढ़ी चुके हैं। सियासतदान जड़े नु साडे सियासत ने वाले नाल अलहमदुलिल्ला नून लीग पीटीआई पीपल्स पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद उम्मीदवार अलहमदुलिल्ला जितने भी सियासतदान साढ़े कश्मीर ने वो सारे मारे मोहब्बत कर रहे हैं। उन्होंने सारे ने सोंग मी सादत है कि मैं इन्होंने तैयार किए हैं ऐतकी इलेक्शन भी इन्होंने सारे ने जी। रनिंग जी बहुत अच्छा कश्मीरियों वास्ते सोंग एक मैं तैयार करना पाया जो सारे परदेसी उन्होंने वास्ते स्पैशली अगर एक पोस्ट माड़ी चढ़ी हुई है उस वाले नाल ते उसने दो बोल मैं सुनासा। कदी आ कश्मीर तू यार लारे लपे लाना रेना ए कदी आ कश्मीर तू यार लारे लपे लाना रेना ए सौ रब दी तेरे नाले प्यार लारे लपे लाना रेना ए कदी कोटलिया तू यार लारे लपे लाना रेना ए। ये भी दसो कि ये भी जायद साहब लिखा या किसी और बंदे लिखा है? ये माड़ी अपनी तहरीर है पंजाबी में खुद लिखना पे थोड़ी बहुत कोशिश इन्होंने जेरे साया बेने नहीं तो थोड़ा बहुत ये कुछ हो गया कि थोड़ा बहुत लिखना शुरू हो गया शायद इन्हें वाले ना बगैर रनमाई कर रहे हैं। ठीक है ते बाकी लाहौर च तुम्हें पता बड़े अच्छे उस्ताद लोग कैसम राज साहब जड़े जिन्हें इलेक्शन ने सोंग वगैरह भी काफ़ी लिखे और एक ना आ पाकिस्तान ना ते उन्हों को बड़ा मौका मिलया बहुत कुछ सीखने ना ते इस सोंग की मैं खुद ही लिखना पे अपने कश्मीरी परदेसियों की फरमाइश पर। ठीक है अच्छा जाहिद साहब तुसा एक गल बो के एम यूसुफ साहब ने तुसा की कड़ा जबरदस्त सॉन्ग लगा आज तक जड़ा उन्होंने गया है? शुक्रिया। यूसुफ खान साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ ने मालिक ने जनाब इन्हें इस वक्त तक बहुत ही खूबसूरत काम किया और ख़ास करी कश्मीर पर शहादत आरज़ू आपने एक बहुत ही बलीग और खूबसूरत आवाज़ ना इन्होंने जादू है जिसने जो लोगों सुने और माशाल्लाह बड़ी पसराई दी है इन्हें लोगों मे बहुत पसंद है। मैं खुद भी लिखा लेकिन इन्हें इला गया हौसला में समझा उन्हें आकदा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। एम यूसुफ साहब कोई खास पैगाम जरा कोटली ने लोगों तुम देना चाहे हो गुलकारी ने हवाले या किसी भी हवाले? देखो फनकार किसी भी इलाके जरा सखावत की जिंदा रखना तारीख की जिंदा रखना इन लोगों की जिंदा तुसों लोगों रखना। ठीक है फनकार की किस जिंदा रखना फनकार ना तुसों हौसला अफजाई करसो तो वह जिंदा रहसी अगर ज फनकार मरी गया तो समझो उस इलाके हर तहजीब खत्म हो गई अदब अदाब क्योंकि इ फनकार ही है जड़ा तुसों चेहरे पर मुस्कराहट खिलाना है इ फनकार ही है शायरी है जरा तारीख की जिंदा रखी तो आना पाया। ठीक है तो फनकारों वास्ते बहुत जरूरी है कि उन्होंने वास्ते हौसला अफजाई एक ऑक्सीजन ना बराबर है तो हौसला अफजाई जरूर फनकार नहीं होनी चाहिए ता जे ये लोग जिंदा रहन और कश्मीर और मुल्क और कौम ना रोशन करन। तो जनाब कुछ आखना चाहे हो अपने ग्राने लोगों की कोटली ने लोगों की या ओवरऑल जितने भी आज़ाद कश्मीर ने लोग पाकिस्तान ने लोग उन्होंने कुछ आखना चाहे हो? जी जनाब मैं अपने कोटली ने नौजवानों की खास करी तो पैगाम देसा कि प्लीज़ यार ठीक है मोबाइल नेट सब कुछ आया लेकिन मुतालिया ये बहुत ज़रूरी चीज़ है प्लीज़ हर बंदा मुतालिया उस तक कुछ टाइम कढ़ो ताकि एक ऐसी दुनिया है मुताले ने जिसने चाह सने बड़े बुजुर्ग इस रास्ते पर आए ना कि नेट पर आए उम्मीद करना सारे बंदे पजराई कर सो। बहुत शुक्रिया जनाब
बट साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। तो जनाब तुसा दो बंदे नी गल सुनती, एम यूसुफ साहब ने भी गल सुनती, जफर साहब ने, जाहिद साहब ने भी गल सुनती है। तो तुसा की इन्हां दी गल्लां के जियां लगियां ते विच असा एडिटिंग करी ते इंशाल्लाह इन्हां ने तराने भी चलासा, तो उन्होंने बारे च भी दसो कि इन्हां ने तराने तुसा की के जे लगे। तो इन्हां एक गल पाई है कि साड़ी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, जरूर जेड़े फनकार होने गुलकार होने उन्होंने हौसला अफजाई होनी, तो वह और जरा हौसले नाल काम कर रहे हैं, तो बड़ी चढ़ी तै सोचने कि आवाम ने किस तरह खिदमत की जाए। दसो कि यह प्रोग्राम कैसा लगा, असं की फीडबैक तू जरूर नवासो। इस सईद बाट की दियो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।